चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, लेकिन अगर सच्ची वाली आग लगी हो तो भैया प्लीज फायर ब्रिगेड को ही बुलाएं। एक डायरेक्टर के घर में लग गई है आग, मामला है अब लेडी फायर ब्रिगेड के हाथ। अब ये आग बुझेगी या कर देगी सब कुछ राख, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम भारती एज अ फायर ब्रिगेड वाली, सिद्धार्थ एज अ फिल्म डायरेक्टर एंड कीकू एज अ फिल्म राइटर। कैसे सब लोग? सब ठीक है ना? मेरी तरफ से सबको खुश मॉर्निंग। सोहेल बेटा जीते रहो, अर्चना तुम पीते रहो। क्या अभी सुबह सुबह हो गए, ब्रश तो करना पड़ेगा। ब्रश कर लूं? अरे बाप रे, आप सोच रहे होंगे अभी जिधर जरूरत है उधर ही रगड़ना पड़ेगा ना। वो क्या, आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मैं नहाने जाने वाला हूँ। वो क्या है, मुझे डॉक्टर ने बोला है अगर खुजली अगर कम करनी है तो नहाना पड़ेगा। और क्या है, रगड़ रगड़ के मेरा शरीर इतना पत्थर जैसा बन गया है, मैं आपको बोलूं पूरा पीठ एक अंग नहीं जो पत्थर जैसा नहीं बना है। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अरे खुजली आए या ना आए खुजाना चाहिए। वैसे मैं बहुत बेशरम किस्म का आदमी हूँ, मैं कपड़े उतार के नहाता हूँ। ये देखा क्या है, ये साबुन नहीं पत्थर है पत्थर। वो क्या है, लोहा लोहे को काटता है, पत्थर पत्थर को काटता है। अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अरे फायर ब्रिगेड मंगवा, आग लग गई। कैसे है तुम लोग, एकदम बढ़िया ना? मैंने इधर सुना है कि इधर कहीं आग लगी है, लेकिन मेरे को तो दिख नहीं रहा कि इधर लगी है आग। अरे ए, लड़की बाथरूम में आग लगी है, जल्दी आके बुझा जा। अरे ऐसे हो नहीं सकता, मैंने अपनी अक्की लाइफ देखी है, बाथरूम में आज तक किसी की आग नहीं लगी। अरे वो क्या है, खुजा खुजा के मेरा शरीर पत्थर जैसा बन गया। वो पत्थर पे ये पत्थर घिस गया तो चिंगारी भड़क गई। लेकिन मैं ये आग कैसे बुझाए? कैसे बुझा यार, फिर फायर ब्रिगेड में क्या कर रही है तू फिर? अरे वो तो साहिब मेरा मर्द काम करता है। एक्चुअली हम लोग की शादी को 5 साल हो गए, आज तक एक भी बच्चा नहीं हुआ हमारा। अब देखो, जो बंदा घर की आग नहीं बुझा सका तो बाहर की आग क्या बुझाएगा। अरे जल्दी कुछ करो, मेरी आग बुझाओ। अरे मैं नहीं 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 नहीं। अच्छा एक काम करो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, बाल्टी दे इधर, बाल्टी दे जल्दी। बाल्टी बाल्टी दे, बाल्टी दे। अरे साहिब ये तो खाली है। अरे इस खुजाने के लिए मंगाई मैंने थी। अरे कुछ करो जल्दी, आग लगी है। अरे नहीं नहीं साहिब, मैं नहीं अंदर आएगी। अरे तू मत अंदर आ, किसी को तो बुला, फायर ब्रिगेड मंगवा देते। एक मिनट, मैं फायर ब्रिगेड के ना हेड को फोन करती है, जिनके आज के पास कभी भी पानी की कमी नहीं हुई। एक मिनट। अरे जल्दी मंगा ले। साहिब आप आ रहे हो ना? बस गेट पे पहुंच के आ रहे हैं साहिब। अरे गेट फटने की बारी आई, जल्दी आ। रास्ते है तो हौसला है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। अब किस मुकाबले में आपने हमें यहाँ पर बुलाया है, जरा तुरंत हमें बता दीजिए तो बेहतर होगा। अरे जल्दी मेरी आग बुझाओ। साहिब आपकी दो जिंदगियां ये देखिए नीचे बह रही है। देखिए बड़ी बेवकूफी की बात की आपने, कोई फर्क नहीं कि आप हमसे इस तरीके से बात करें। आपको अगर समीज नहीं है तो बेहतर आप हमसे बात करें। मां एक मिनट साहिब। अभी देखिए, ओहो भाई, कहीं आप वही आदमी तो नहीं है जो हर वक्त अपने आप को खुजाते रहते हैं? भाई आप इतने जिंदगी भर आपने अपने आप को स्क्रैच किया है, स्क्रैच करके आप कभी कुछ जीते हैं? क्योंकि हमने तो बस एक बार स्क्रैच किया था, हम बाइक जीते थे, वो भी 500 सीसी। अरे यार
कुछ मेरी आग तो बुझाओ। अरे एक मिनट साहिब, काहे आग आग बुझाओ? आप ऐसे ही चार पांच फिल्म का स्टोरी सुना दीजिए, मैं का इधर बार ना आ गई तो कहना। अरे वो क्या फिल्म सुनाएगा, मैं सुनाता हूँ मेरी अगली पिक्चर की कहानी, कुछ डिफरेंट है। उसमें एक हीरो है, उसमें एक हीरोइन है, और ट्विस्टिंग भाई उसमें एक विलन भी है। भाई वाह 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 भाई, कमाल है। मतलब कितनी अलग और कितनी डिफरेंट कहानी सोची है आपने, मतलब कमाल की कहानी है। आपको लगता है कि ये कहानी बॉलीवुड में चल जाएगी? अभी मैंने कपड़े पहने इसलिए नहीं, तो ये मारता ना फेंक के। अरे मेरी आग तो बुझाओ। भैया कमाल कर दो, देखिए आग बुझाने का काम हमारा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि हम ये आग बुझा भी देते हैं, तो उसमें हमारा क्या फायदा होगा? अरे साहिब क्या फायदा फायदा सोच रहे हो, आप आग बुझाओ ना। अरे भाई हम आग क्यों बुझाएं? देखिए हमारे मुंह से ये जो पानी निकलता रहता है, इससे हमें काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। होती है ना, मेरे को भी ऐसे लगता है, काफी शर्मिंदगी होती है, लेकिन इसका कुछ करते क्यों नहीं? अरे भाई क्या करें, बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज खाते हैं हम। अभी हम लंच से पहले 3 स्पॉन्ज खाते हैं, डिनर से पहले 3 स्पॉन्ज खाते हैं, फिर सोने से पहले 3 स्पॉन्ज खाते हैं, पर पानी सूखता ही नहीं है, तो अब क्या करें भाई? अरे तो एक काम करो, अच्छा वाला नैपी खाओ। हाँ साहिब, ताकि हम भी पहुंच सके हमारे साहिब नैपी के साथ हैप्पी। अरे यार जल्दी आग बुझाओ, मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे साहिब जिम्मेदारियां तो अपनी खूजा बेटी की शादी क्यों नहीं करवाते? अरे मैं तो लाख करवाऊं, कोई लड़की उसके शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती। सदमे में बेचारी अपने पूर्व जैसे करती रहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसे बातें करते रहो, पानी आएगा आग बुझ जाएगी। साहिब मैं आपकी फिल्म की ना एकदम फैन है, मेरे को कुछ और बात बताओ ना। सामने लड़का बैठा है, इसको हम झूठ नहीं कहेंगे, ये तो आइडिया है वो सलीम साहब का था। हाँ थोड़ा मुझे ही बताओ। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर सलीम साहब ने जो है उसका जो है उसका स्टोरी लिखा, स्क्रीन पे लिखा, फिर उसका डायलॉग लिखा, फिर एक कमाल का आइडिया जो है वो हमारे पास आया। हमने कहा भाई सलीम साहब अब हम दोनों जोड़ी बना लेते हैं। हाँ बराबर है, और बोलो और बोलो, बुझ रही आग बुझ रही, और बोलो 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 बोलो, बुझ रही जा रही जा रही, बोलो बोलो। देखिए यहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है तकरीबन आपकी सारी आग जो है बुझ चुकी है, अब आप जरा फटाफट एक चड्डी पहनिए और बाहर निकल आइए। अरे दो ना साहिब, इसको वो चड्डी दो ना ताकि बाहर आ सके। और चड्डी की बात आप मत करो, वो भी गीली लगती है चड्डी। कैसा आदमी है ये अपनी चड्डी पहनिए और बाहर आइए आप। दीदी आग बुझा दिए। अरे छोड़िए ना, साहिब आ गए आ गए। अरे भाई इतनी कमाल कर दे आप, छोटे से काम के लिए आपको हमें इतना शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूँ, आप बोलते रहिए, मेरा नहाना भी हो जाएगा बाद में। अजीब आदमी है ये। अरे आप ही बोलो कुछ। अरे साहिब भाई क्या बोले? बोलो बोलो कुछ, बोलो बोलो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बताओ कुछ, बताओ उनको, बोलो। अरे भाई अरे बताओ उनको कुछ, बोलो आप। देखिए आज अरे ये दोनों तो काम पे लग गए, आप मैं उधर आके छू के नंबर देता हूँ, बोलो। जजेस कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? अर्चना ये एक यूनिडायमेंशनल एक्ट था। नॉर्मली हमारे कॉमेडी सर्कस के एक्ट होते हैं काफ़ी लेवल्स पर होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इसमें वो लेयर्स नहीं थे। लेकिन भारती आप जो भी करती हैं, आप अपनी जो एनर्जी और अपनी टाइमिंग जब लाती हैं एक्ट में, तो एक्ट हमेशा उठता है। सिद्धार्थ आपका वो नहाना, आपका वो खुजाना और नहाना दोनों काबिले तारीफ था। और कीकू आपके एक मैनरिज्म जो आप बौछार करते हैं उस पर काफ़ी निर्भर था इस एक्ट की कॉमेडी, लेकिन वो उतनी उभर के नहीं आई जितना झरना बहना चाहिए था, वो कम बहा, तो इसलिए एक्ट भी थोड़ा सा कम रहा। थैंक यू आरजी। सुहेल यू नो आप लोगों को जो एक्ट दिया गया था और जो कैरेक्टर्स दिए गए थे, यू ऑल ओनली गॉट द मैनरिज्म्स, लेकिन टू सपोर्ट द मैनरिज्म्स आप लोगों को कुछ अच्छे लाइंस नहीं मिले, यू नो टू बैक इट अप। इस वजह से आई जस्ट थिंक दैट द एक्ट वाज जस्ट रिल्फ ऑन वन लेवल, वो थोड़ा फ्लैट गया। आई विश यू हैड बेटर लाइंस आल्सो टू काइंड ऑफ सपोर्ट यू गाइस। ओके टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स जजेस। तो अर्चना आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? ओके नाउ टाइम फॉर द स्कोर्स नाउ फॉर 8 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। सोहेल जल्दी पॉइंट्स बता दीजिए। 8 पॉइंट्स फ्रॉम सोहेल।